राजधानी देहरादून में मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश भर के लिए पूर्व अनुमान जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 22 और 23 दिसंबर को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है और उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि खासकर 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर से मौसम विभाग ने प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 23 को दिख रहा कि थोड़ा जो है एक पश्चिम विक्षोभ है, हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उसकी नहीं दिख रही है, पर आप कह सकते हैं कि ठीक है, गढ़वाल में छुटपुट कहीं पे या जो अंदर के मार डिस्ट्रिक्ट है उमाऊ रीजन के भी, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें है छुटपुट एक्टिविटी। हायर रिचेज में विशेषकर लाइट एक्टिविटी हो सकती है रेन और स्नोफॉल की। स्नोफॉल तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है उसमें ही संभावना है। आप ये कह सकते हो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, इनमें थोड़ी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कहीं कहीं पर वो भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ है।